आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में। सो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। न्यू ईयर पे जब हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। ये प्रॉमिस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हमें कुछ स्टार्ट करना है या कुछ गंदी आदतों को छोड़ना है, तो हम खुद से प्रॉमिस लेते हैं कि मैं न्यू ईयर पे इन अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने वाला हूँ और इन गंदी आदतों को छोड़ने वाला हूँ, जैसे स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और कर्सिंग समवन। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमें एक न्यू स्टार्टिंग पॉइंट देता है जिससे कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो न्यू ईयर आ गया है और बहुत लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट भी कर लिए होंगे न्यू ईयर को बेटर बनाने के लिए। बहुत लोग होते हैं जो 1 or 2 weeks में ही अपने रेजोल्यूशन को क्विट कर देते हैं और कुछ लोग ही अपने रेजोल्यूशन को अचीव कर पाते हैं। तो किस तरह से हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सेट करें ताकि अपने रेजोल्यूशन को कम्प्लीटली अचीव कर सकें। सो इस वीडियो में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, बिकॉज मैं तो हर साल अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करती हूँ और उसे अचीव भी करती हूँ। सो इस साल भी मैंने कुछ रेजोल्यूशन सेट किया है, सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ, शायद आप सबको भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन से कुछ बेनिफिट्स मिले। तो यहाँ पे हम कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ग्रैटिट्यूड, हेल्थ से रिलेटेड, रीडिंग हैबिट्स, नो कंप्लेन अदर्स, मेडिटेशन, और इन सारे हैबिट्स को इस तरह से प्लान करेंगे फॉर 21 डेज़। और जैसे ही हमारा 21 डेज रेजोल्यूशन कंप्लीट होता है, फ्रॉम नेक्स्ट डे अगेन वी आर गोइंग टू प्लान फॉर रेजोल्यूशन फॉर 21 डेज। तो हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम इस रेजोल्यूशन से पूरे 365 डेज को कवर करने वाले हैं, ना कि 21 डेज फॉलो कर लिया या फिर बीच में ब्रेक हो गई तो बस इसे छोड़ दिया। इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेंगे और अपने आप से किए हुए हर प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां आप वीक हो, वो कौन सी क्वालिटी है जिसे आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो स्ट्रांगली अवेयर होना पड़ेगा और तब आप राइट रेजोल्यूशन सेट कर पाओगे। सो नो योर वीकनेस एंड वर्क अपॉन इट। और दूसरा, कई लोग हाई रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार तो वो छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए लो रेजोल्यूशन सेट करने से क्या होता है, हम काफ़ी लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं। तो चलिए कुछ टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है रीडिंग बुक्स। तो हम इस हैबिट को इस तरह से प्लान करेंगे कि ड्यूरिंग 21 डेज हर रोज बुक्स पढ़ूंगी, 2 or 3 pages एटलीस्ट। अगर आपके पास ज़्यादा ही हैक्टिक शेड्यूल है तो 1 page के लिए प्लान कर सकते हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि आपके अंदर एडिक्शन आ जाएगी बुक पढ़ने की, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी, नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, और सबसे अच्छी बात कि आप अपने टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर रहे होगे। तो ये हैबिट अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ग्रास्प कर सकते हैं। सेकेंड रेजोल्यूशन इज़ डूइंग एक्सरसाइज एंड अवॉइड जंक फूड। कभी भी एक्सट्रीम रेजोल्यूशन मत बनाइए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही टफ रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं, न्यू ईयर से मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगी और जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है और रेजोल्यूशन टूटने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज इमिडिएटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी फेवरेट चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि हमने प्लान बनाया कि न्यू ईयर से मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करने वाली हूँ, तो मैं इस तरह से अपने प्लान को सेट कर सकती हूँ कि इनिशियली मैं 1/2 hour एक्सरसाइज करूँगी। तो ये रेजोल्यूशन एक्सट्रीम नहीं हुआ,
हाफ एन आवर ईजली अपने लिए समय निकाल सकते हैं और कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं, वरना क्या होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरह से अपने प्लान सेट कर सकते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि डूइंग एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक, जिम, दीज आर समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। सो इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, यू मस्ट स्पेंड सम लिटिल पोर्शन ऑफ टाइम फॉर योर फिजिकल हेल्थ, बिकॉज आवर हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस तरह से हेल्दी रहने के साथ साथ आप कंसिस्टेंट भी रह सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़, जैसा कि मैंने कहा कि इमीडिएटली हम अपने ईटिंग हैबिट्स को रजिस्ट नहीं कर सकते, तो हम इस हैबिट को इस तरह से प्लान करेंगे। जैसे आपको जंक फूड पसंद है, ऑब्वियसली मुझे भी पसंद है, तो मैं एक्सट्रीम नहीं अपनाती। मैं इस तरह से सेट कर लेती हूँ कि मैं हफ्ते में एक दिन ही ऐसी चीज़ें खाऊँगी और वो भी लिमिटेड। तो इस तरह से मैं अपनी रेजोल्यूशन को एक्सट्रीम नहीं बनाती और अचीव भी कर लेती हूँ। तो अगर आपकी भी डाइट से रिलेटेड रेजोल्यूशन है, ज़्यादा एक्सट्रीम मत बनाइए। हेल्दी खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए और कोई ऐसा फ्लेक्सिबल डेट सेट कीजिए जिस दिन आप अपनी मनपसंद डिशेज इंजॉय कर सको। तो इस तरह से आपकी रेजोल्यूशन ब्रेक भी नहीं होगी और ये ना सिर्फ 21 डेज रेजोल्यूशन होगी बल्कि आप इसे होल ईयर मेंटेन रख सकते हो। थर्ड रेजोल्यूशन इज़, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन अदर्स। सी, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर 21 डेज हम अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से कोई कंप्लेन नहीं करने वाले हैं अगले 21 डेज के लिए। ऐसा हमने खुद से प्रॉमिस किया है और ये रेजोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ऐसा करके हम अपने माइंड को प्लेजेंट बना सकते हैं। वैसे तो हम बुक पढ़ के, एक्सरसाइज करके, अच्छे भोजन करके भी अपने माइंड को प्लेजेंट बनाते हैं, राइट? बट यहाँ प्लेजेंट इन द सेंस कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने सारे स्ट्रेस, ग्रीफ, नेगेटिविटी, एंग्रीनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। सी, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और जब हम खुद को चेंज करते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो अगर 21 डेज में कुछ ऐसी चीज़ें होती भी हैं, जैसे नेगेटिव चीज़ें, तो कोशिश करें रिस्पेक्टफुली उसे टैकल करने की। तो हमारा माइंडसेट इस तरह से होना चाहिए कि ड्यूरिंग 21 डेज किसी से कोई कंप्लेन नहीं करना है, रिस्पेक्ट देना है सिचुएशंस कोई भी हो। अब यहाँ पे थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि अगर सामने वाला मेरी तरफ रूड है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने खुद से प्रॉमिस किया है, आपने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लैकिंग को सुधारने के लिए। सो हियर यू आर गेटिंग अ चांस टू सी हाउ यू हैंडल अ सिचुएशन। आपको एक चांस मिल रहा है कि आप अपने माइंड को उस सिचुएशन में किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, आपके अंदर वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल है भी या नहीं। आपको खुद को जानने के लिए एक मौका मिल रहा है। सो इट इंटायरली डिपेंड्स अप टू यू कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, अपनी रेजोल्यूशन को ब्रेक करके या रिस्पेक्टफुली। फोर्थ वन इज़ मेडिटेशन। तो हमारे रेजोल्यूशन लिस्ट में मेडिटेशन भी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरह से हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू नो, मेडिटेशन से हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इसका बड़ा इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता है, हमारे करियर पे पड़ता है, हेल्थ पे पड़ता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मतलब फ़ायदे ही फायदे हैं, हम बहुत ही पीसफुल और प्लेजेंट महसूस करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीन्स बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसके लिए परेशान रहते हैं। हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इन सब चीज़ों को पाने के चक्कर में जो हमारे पास ऑलरेडी है उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। सो हमेशा हमें भगवान के लिए थैंकफुल रहना चाहिए जो भी हमारे पास है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, गुड हेल्थ, गुड बॉडी, गुड सराउंडिंग्स,
वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड यू विल फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस विद इन यू। जब हम हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तब हम बहुत ही कंटेंट फील करते हैं। इवन सिंपल फूड हमारे प्लेट में है, हमें सबसे पहले भगवान को थैंकफुल होना चाहिए कि आपने मुझे इतना दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त के खाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। सो ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। देर आर सो मेनी पीपल हु आर हैंडीकैप, बट आपने मुझे इतना हेल्दी बनाया है, मेरे हाथ पांव सही सलामत है, मैं इतनी खूबसूरत दुनिया को देख सकती हूँ, लोगों को सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, हर चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। तो जब हम इस तरह से ग्रैटिट्यूड करते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, प्योरिटी, हैप्पीनेस आने लगती है। तो हमारा फिफ्थ रेजोल्यूशन ग्रैटिट्यूड बेस्ड है, जिससे कि हम अपने लाइफ में बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं। तो कोशिश करें ग्रैटिट्यूड करने की, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो पॉजिटिविटी को रेडिएट कर रहे होते हैं। सो इन दिस होल सिनारियो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आप अपनी बिजी शेड्यूल में भी कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आप खुद रियलाइज़ करोगे रेजोल्यूशन सेट करने से पहले आप क्या थे और अभी आप में कितनी चेंजेस आ गई है। सो प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स, टेकिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच कैन मेक यू अ बेटर वर्जन इफ़ यू प्रैक्टिस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।